हरदोई जनपद में 13 वर्षों से कार्यरत जय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे अशोक सिंह ने सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जनपद के होनहार प्रतिभाओं को गौरवान्वित किया और जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की सीमा सिंह ने बताया है कि संस्था का उद्देश्य अपने हरदोई जनपद के शैक्षणिक स्तर को ऊंचाइयों तक पहुँचाना रहा। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जैसा भी होता हाँ, लेकिन पढ़ाई अच्छे स्कूल में नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग काफ़ी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक ही गांव से ही की, और जहाँ तक अगर पूरा देखा जाए तो उसकी वजह से मेरे पापा ही हैं। और हाँ, पढ़ाई की उसके बाद से हरदोई शिफ्ट हुए, पर यहाँ पे कुछ अच्छी कोचिंग वगैरह भी नहीं थी, तो बस जो टॉपर्स होते थे उनके जो इंटरव्यू रहते थे उसकी बुक्स वगैरह देख के हम मार्केट से बुक लेके उसी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। तो कुछ नए लोग जो हैं तैयारियां करते हैं, उनको कुछ एक चीज़ दो चीज़ बताइए क्या वो करें जो सफल हो पाए। सर, पहले तो कोई ये तो नहीं कह सकते कि कहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि जीएस में जितना आता है, अगर हाँ अगर उनकी सबसे पहले तो अगर ठीक नीचे से ही पढ़ाई, अगर अच्छे स्तर से स्कूली लेवल की पढ़ाई अगर ठीक से चल रही है, क्योंकि जब ऊपर पहुँचते हैं तो मेन हमारा, क्योंकि रटना है, हम लोग स्कूल के टाइम पे बहुत सारे रटते हैं, लेकिन अगर समझ की जो चीज़ करना, कि रटने वाला तो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है।